शेखर। अरे राजेश तुम कैसे हो? ठीक हूँ। कलकत्ते से कब आए? कल ही आया। अच्छा, आओ ना मेरे साथ घर। आज नहीं भाई, कल चलेंगे। कल तुम कहाँ मिलोगे? मैं रोज 5:30 बजे लोकल से यहाँ आता हूँ। अच्छा, तुम एक काम करना, कल इसी स्टेशन में मेरा इंतजार करना, ठीक है? ओके। शांति, अपना स्टेशन आ रहा है, अब उतरना है। उतरती हूँ डैडी, लेकिन गाड़ी को तो रुकने दो। डैडी डैडी, वो लड़का कितना घमंडी है। कौन? वो जिसने तुझे बैठने के लिए जगह दी थी? वही। क्यों क्यों घमंडी क्यों? डैडी, उसने मेरी तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा। तू भी कमाल करती है, जो देखते उनकी भी शिकायत करती है, जो नहीं देखते उनकी भी शिकायत करती। अरे उसने तुझे बैठने के लिए जगह दी, तुझे तो उसका एहसान मानना चाहिए। ये तो एटिकेट है डैडी, औरतों की इज्जत करना मर्दों का फर्ज होता है। और मर्दों का एहसान मानना भी औरतों का फर्ज होता है। जैसी माँ वैसी बेटी। चल